श्री कृष्ण कहते हैं, डाली से टूटा फूल फिर से जुड़ नहीं सकता है, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। उसी तरह जिंदगी में कोई पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नर्क से डरना छोड़ दो, कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य है, बस किसी का दिल न दुखे अपने स्वार्थ के लिए, बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो, न पैसा बड़ा न पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा हो वह सबसे बड़ा। जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं उनकी नजरों में आप अच्छे ही रहेंगे, जिनकी नजरों में आप बुरे हैं उनकी नजरों में अच्छा बनना व्यर्थ है, क्योंकि आप खुद को तो बदल सकते हैं मगर उनकी खराब हो चुकी नजरों को नहीं। एक सच्ची बात हमेशा याद रखना, जिसके साथ आप खुल के हंस सकते हैं उसके साथ आप पूरा दिन बिता सकते हैं, लेकिन जिसके साथ आप खुल के रो सकते हैं उसके साथ आप अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। जहां सूरज की किरणें हो वहां प्रकाश होता है, जहां भगवान के दर्शन हो वहां भगवान होता है, जहां संतों की वाणी हो वहां उद्धार होता है, और जहां प्रेम की भाषा हो वहां परिवार होता है। हृदय से जो दिया जा सकता है तो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। संबंधों को सिर्फ समय ही नहीं समझ की भी जरूरत होती है। लोग आपकी प्रशंसा करते हैं या निंदा, इसकी चिंता छोड़ो, सिर्फ एक बात सोचो कि आपने अपनी सभी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाई की नहीं, क्योंकि आपको लोगों की नजर में नहीं परमात्मा की नजर में महान बनना है। रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। किसी को स्नेह देना सबसे बड़ा उपहार है, किसी का स्नेह पाना सबसे बड़ा सम्मान है। तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, मगर फिक्र करने वालों को आपको ही पहचानना होगा। सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। इसलिए सदा अच्छा सोचें और खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। नमक की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है, मीठी बात करने वाले तो चापलूस भी होते हैं। इतिहास गवाह है कि आज तक कभी नमक में कीड़े नहीं पड़े और मिठाई में तो अक्सर कीड़े पड़ जाया करते हैं। इंसान के गुण नमक की तरह होना चाहिए, जो भोजन में रहता है मगर दिखाई नहीं देता, और अगर न हो तो उसकी बहुत कमी महसूस होती है। किस धन का अहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को बचा नहीं पाएगा, किस तन पर अहंकार करूं जो अंत में मेरी आत्मा का बोझ भी नहीं उठा पाएगा, किस सांसों का इतवार करूं जो अंत में मेरा साथ तोड़ जाएगी, किस रिश्तों का मैं यहाँ अभिमान करूं जो रिश्ते श्मशान पहुँच कर सारे टूट जाएंगे। हाँ याद आया, अब क्यों मैं यहाँ, मैं अपने नेक कर्मों की पूंजी इकट्ठा कर लूं जो यहाँ भी और वहाँ भी साथ काम आए। मन की लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं, और सच लिखूं तो अपने रूठ जाते हैं। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है जनाब, कोई सपनों की खातिर अपनों से दूर रहता है तो कोई अपनों की खातिर सपनों से। परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं, चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, कम बोलो पर सब कुछ बता दो, खुद न रूठो पर सबको हंसा दो, यही राज है जिंदगी का, जियो और जीना सिखा दो। गुस्सा अकेला आता है मगर हमसे सारी अच्छाई ले जाता है, सब्र भी अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाई दे जाता है। परिस्थितियां जब विपरीत होती है तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जो ईश्वर के सामने झुकता है ईश्वर से किसी के सामने झुकने नहीं देता। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, दी इच्छा इंसान को तो संतोष छीन लिया, दिया संतोष संत को तो संसार छीन लिया, दिया संसार चलाने देवी देवताओं को तो उनसे भी मोज छीन लिया। मत करना कभी गुरूर अपने आप पर, इंसान भगवान ने तेरे और मेरे जैसे कितनी को मिट्टी से बना के मिट्टी में मिला दिया। मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है, किस्मत में जो लिखा होता है उतना ही अदा होता है। न डर रे मन दुनिया से, यहाँ किसी के चाहने से नहीं, किसी का बुरा होता है मिलता है वही जो हमने बोया होता है, कर पुकार उस प्रभु के आगे क्योंकि सब कुछ उसी के बस में होता है।
आप जिंदगी को बदलने के लिए इस कहानी को गौर से सुनने का कष्ट करें। जब आपका जन्म हुआ था तो आप प्रेम और उल्लास से भरे हुए थे। इस दुनिया में आप सबसे शक्तिशाली काम कौन सा कर सकते हैं? जवाब है खुद से प्रेम करना। प्रेम करने से हर चीज खूबसूरती से होने लगती है। खुद की इज्जत करना, प्रशंसा करना बेहद जरूरी है। छोटे बच्चे जानते हैं कि उन्हें खुद से प्रेम कैसे करना है। आप सभी ऐसा एक भी बच्चा को बताएं जो खुद से नफरत करता हो। वे अपनी भावनाएं खुलकर बताते हैं। जब बच्चा खुश होता है तो आपको पता चलता है, जब वह गुस्सा होता है तो पड़ोसियों तक को पता चल जाता है, क्योंकि वे छुपाना नहीं जानता। वे साहस से भरे होते हैं। याद करें, आप भी कभी ऐसे ही साहसी हुआ करते थे। मोहब्बत से भरे हुए जीवन में एक और चीज बड़ा असर डालती है, विचार और शब्द। आप जो सोचते और कहते हैं वह इस ब्रह्मांड में घूमता रहता है और फिर कई गुना बढ़कर आप तक वापस आता है। मानो ये दुनिया आपकी हर बात सुन रही हो और फिर लौटा रही हो। जरा सोचिए, जब आप अधिकांश मौकों पर नकारात्मक विचार ही करते हैं, ऐसे में आप तक क्या लौट कर आएगा? सोचने का भी एक नियम होता है। आप जो सोचते हैं, जिस पर यकीन करते हैं, वह सब सच बनकर आपके सामने आता है। आपके विचार ही आपकी जिंदगी बनाते हैं। ये सीधी सी बात समझकर आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं।